क्या हाल चाल दोस्तों, वन प्लस 12 फाइनली आ चुका है। इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर लॉन्च हो गया। 23 जनवरी को लॉन्च होगा ये इंडिया में। अरे कुछ चीजें मैं देख रहा था, पानी के अंदर डाल के चल रहा है ये। 24 GB रैम लगा रखी है, कोई एक बायोनिक मोटर लगा रखी है एंड ऐसी काफी सारी अलग अलग चीजें इसमें ऐड करके, मतलब काफी कठिन शब्दों का उपयोग करा जा रहा है, बट जो भी है सुनने में अच्छा लग रहा है। चला के देखना पड़ेगा, चला के ही भाई विश्वास कर। आपने रिसेंटली कुछ सालों में देखा होगा भाई, वन प्लस बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। इन्होंने प्रो सीरीज भी भाई अपनी बंद कर दी है, सॉफ्टवेयर की काया पलट कर दी है और कुछ कुछ फोन में आजकल इशू भी आ रहे हैं, ग्रीन लाइन आ जा रही है एंड वन प्लस की ऑडियंस भी इसके ऊपर काफी सारा नेगेटिव फीडबैक दे रही है। ऑल्दो वन प्लस ने काफी सारी चीजें फिक्स करी, जैसे लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करी है जिनको भी वो सारे इशूज आ रहे थे, बट पहले कभी भी ऐसा वन प्लस के डिवाइसेस के साथ नहीं हुआ। एंड ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल वाला वेरियंट भी काफी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको बिल्ड के थोड़े थोड़े इश्यूज आए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाज के बताऊं, 2018 में वन प्लस ने एप्पल, सैमसंग, वीवो इन सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अपना लपेट रखा था। ये वन प्लस का बेसिकली पीक था, वन प्लस 6 आ रहा था, काफी मस्त मस्त फोन आ रहे थे और उसके बाद बेसिकली या तो आप प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग रहता है या फिर एप्पल रहता है। एंड इस बार वन प्लस ने क्या अलग करा है उसको देखने की भाई को एक्साइटमेंट। वैसे अनबॉक्सिंग अगर आप देखोगे काफी सिंपल सी है, बेसिक सी है, लाल रंग का ऐसा डब्बा है, यहाँ पे 12 लग रखा है, 12 बच्चे हो चुके हैं भाई वन प्लस के, तो आप बोल रहे हो एक दो बीच में मिस हो गए थे, सौतेले कांट कमेंट। बैक साइड में एक दो चीजें अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो ओप्पो लिख रखा है, ये बेसिकली कंपनी का नाम है जिसने ये वाला स्मार्टफोन बनाया। अगर पूरा नाम मैं पढ़ के बताऊं, ओप्पो गुआंगोंग, अगर आप खोलोगे तो आपको एक रबर केस मिल जाता है, 100 वॉट का चार्जर है, यहाँ पे सुपर व्यूक लिख रखा है, ओप्पो की ये सेम टेक्नोलॉजी, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी एक केबल है। फाइनली आ जाता है भाई काफी सुंदर सा दिखने वाला वन प्लस का नया 12। ये स्मार्टफोन भाई सेम लग रहा है पर हाथ में सेम टू सेम नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ा स्मार्टफोन, आप एक सिंगल हाथ से यूज करना बहुत मुश्किल होगा इस वाले फोन को। बट अगर वन प्लस 11 को मैं साथ में रखूं तो इससे थोड़ा ज्यादा लंबा है, थोड़ा ज्यादा साइड से चौड़ा भी है भाई, दिखने में थोड़ा थोड़ा लगेगा बट हाथ में जो आप पकड़ते हो तो भाई काफी अच्छा हट्टा कट्टा है भाई। मैं एकदम पर्सनल बताऊं तो वन प्लस 11 का साइज मेरे को परफेक्ट लगता था एंड ये वाला आपको बड़ा तो लगेगा बट हाथ में पकड़ना ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भारी नहीं है। 220 ग्राम इसका वेट है जो मतलब एक नॉर्मल सी ही रेंज में आता है। एक चीज और, मतलब काफी एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश करी गई है, बैक साइड में पूरा एक ग्लास दे रखा है, बीच में लोगो लगा रखा है वन प्लस का। भाई एक चीज जो डेफिनेटली हर बंदा नोटिस करेगा वो है इसका कैमरा पंप, ये पूरा घड़ी की तरह लग रहा है भाई, मतलब रिस्ट वॉच नहीं भाई, वॉल क्लॉक वाली फील दे रहा थोड़ी थोड़ी मेरे को। वन प्लस ने इसको पूरा मेटल का बना रखा है, बहुत ठंड में अगर आप रह रहे हो अपने गाल पे लगा लो चिपक जाएगा, ऐसा मैंने देखा पिक्चर में, दिल्ली में इतनी बढ़ती। कुछ लोग शायद नोटिस करें कि इसका कैमरा बम्प काफी ज्यादा बड़ा है, पिछले वाले से ऑलमोस्ट 20% आप इसको बड़ा बोल सकते हो, तो उसकी वजह से फोन के ऊपर की साइड पे थोड़ा सा ये डेफिनेटली ज्यादा भारी हो जाता है। जैसे मैं इसको उंगली पे ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ तो हल्का ज्यादा पीछे की तरफ है, तो अगर आप ऐसे टाइप वाइप कर रहे हो लुक लुक सकता है। पीछे की साइड पे 3 बड़े-बड़े कैमरास लगा रखे हैं, इसमें 2 में सेंसर सेम है जो वन प्लस के फोल्डिंग फोन्स में भी यूज हुए थे, इसलिए भाई आपको स्क्रीन पर 2 फोटोज दिख रही होंगी, ए एंड बी। इसमें से कौन सी भाई वन प्लस ओपन की जो वन प्लस का अभी तक का मेरे हिसाब से बेस्ट कैमरा फोन है एंड कौन सी वन प्लस 12 की है आप कमेंट करके बताओ, मुझे भी ऐसे पर्सनल आंसर फाइनली बता। और एक चीज और मेरे को फील हुई, वन प्लस मेरे को लगा खुद भी कंफ्यूज हो गया, हमको भी कर रहा, क्योंकि बीच में अलर्ट स्लाइडर गायब कर दिया था कि भाई अब से नो अलर्ट स्लाइडर, राइट साइड में वापस आ गया अलर्ट स्लाइडर। अब जिन बंदों को आदत लग गई थी राइट साइड पे अलर्ट स्लाइडर की वो फिर कंफ्यूज जाएंगे, मैं लेफ्ट साइड में डाल दिया अलर्ट स्लाइडर, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। इसमें 2 नैनो सिम भी आप इसमें लगा सकते हो, इसमें स्टीरियो स्पीकर भी है नीचे की साइड पे भी ऊपर की साइड पे भी, उसको बजा लेते अच्छी आवाज है यार, आवाज काफी लाउड क्रिस्प क्लियर, इतना लाउड है कि आंटी पुलिस तो नहीं बुलाएगी पर चांटा जरूर पड़ जाएगा प्यार वाला, अगर फुल वॉल्यूम कर रहे हो आप तो। वैसे एक और चीज मैंने नोटिस करी, ये मतलब जो व्हाइट कुर्ता बहुत पहनता है ना उनको सही बैठेगा, ये व्हाइट टी शर्ट भी हो सकती थी या व्हाइट अंडरवेयर भी हो सकता था, इसलिए व्हाइट कुर्ता। गुड पॉइंट। बैक साइड में ग्लास है, एक्चुअली गंदा तो ये हो जाता है बट फिंगरप्रिंट इतने ज्यादा मुझे दिखते नहीं है, इसकी भी वाइट कलर है और हमने इसको टेस्ट कर रहे थे तो अभी भी भाई काफी बार इसको साफ पर्सनली मेरे को करना पड़ रहा था, कपड़ा छुआ के रखा है बस बार बार ऐसे करके आपको दिखाना पड़ता है। बट बाकी सारे बटन्स काफी प्यारे लग रहे हैं, मतलब राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन है, पतले हैं बट लाइक दबाने वाने कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे हाथ रख के पावर वॉल्यूम बटन तक काफी आराम से ये पहुंच जाता है। अलर्ट स्लाइडर को भाई थोड़ा चेंज करने का थोड़ा सा चैलेंज आता है क्योंकि ऐसे आप अगर आपने ऐसे पकड़ रखा तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे अलर्ट स्लाइडर करना पड़ेगा, शायद आपको कैमरे पे ना पता चल रहा बट जैसे आप छूते हो ना इसको तो पता चलता है, डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो ये वाला S22 Ultra इससे भी अगर कंपैरिजन बताऊं ये थोड़ा सा बड़ा है, बट ऑफ कोर्स वेट बैलेंस करने में
23 सीरीज थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, पर डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। 2K डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो जैसे इस पे हमने एवेंजर्स का सीन देख रहे हैं तो काफी क्रिस्प लग रहा है, एंड कितना भी आप इसको जूम कर लो तो भाई मस्त क्वालिटी रहती है। और जैसे मैंने बताया कि भाई फोन काफी ज्यादा बड़ा है तो एक इमर्सिव सी भी फील आती है, क्योंकि पूरा ही ऐसे एक एज टू है, जैसे हल्का सा एक कर्व्ड पैनल है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो S23 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो आप टॉप नॉच बोल सकते हो, उससे बस थोड़ा सा ही कम मुझे पर्सनली डिस्प्ले लगा, जो एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसका प्राइस उससे हाफ है, एंड 60,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वाला डिस्प्ले भाई बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे पर्सनली लगा। किसी को नंबर जानना तो मैं बता दूं, 6.82 इंचेस का 120Hz QHD प्लस डिस्प्ले। और एक चीज और है, QHD प्लस का दिक्कत क्या है कि अगर आप QHD प्लस पे ही चला रहे हो थोड़ा बैटरी ज्यादा खर्च होती है, 1080p पे चलाओगे बैटरी कम होगी। बट OnePlus ने अपने लॉन्च इवेंट में रेन टच फीचर के बारे में काफी अच्छे से बात करी। बारिश में क्या टच कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं, फोन को टच कर। इन्होंने भाई बेसिकली आईफोन से ही कंपेयर कर दिया था कि पानी में ये ज्यादा इजी टू यूज रहता है। अब पानी में आपको क्यों यूज करना मेरे को पता नहीं, बट OnePlus ने दिखाया तो हमको भी करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें IP65 सर्टिफिकेशन है, बट सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं है भाई। मेरा 10th का सर्टिफिकेट, मेरा 12वीं का सर्टिफिकेट, वो पूछते नहीं भाई। हम तीन तरह के टेस्ट करेंगे, लो, मीडियम, हाई। सबसे पहले लो, चल रहा है क्या फोन भाई? चल रहा है, मैं आराम से चला पा रहा हूँ भाई। लेवल 2 कैमरा चलाएंगे, चल रहा है भाई, चल रहा है, नाइस। अब भाई फाइनली पानी के अंदर हम डाल के एस्फॉल्ट खेलेंगे। पानी के अंदर पूरा इमर्स कर दिया है, हलाओ टैप वाले कंट्रोल नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं चल रहा यार। तो यार हमको लगा था, इतने बड़े प्रॉमिस थे कि चलेगा, वाटरप्रूफ तो है। बारिश के पानी से तो भाई को बिल्कुल दिक्कत नहीं है, उसमें तो आप फोन चला भी सकते हो, बट अंडर वाटर फोन चलाना भाई, बारिश में तो वैसे आप काफी सारे फोन यूज कर सकते हो, बट इसमें मेरे को ये लगा कि थोड़ा सा एक्यूरेट है, पर अंडर वाटर चला पाता तो मजा ही आ जाता। स्विमिंग करने लेके जाते हैं, GoPro की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। एक चीज मैंने नोटिस करी, इसके अंदर एक 5400mAh की बैटरी, ऑफ कोर्स भाई इतना भारी वर्क है तो बैटरी तो बड़ी होनी चाहिए, ये नॉर्मली जितने फ्लैगशिप्स होते हैं उससे डेफिनेटली काफी बड़ी बैटरी, बट इस बैटरी को ये सिर्फ भाई 35 से 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है, जो भाई बिल्कुल मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर मैं 5-7 मिनट अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं इस फोन को पूरे दिन चला सकता हूँ बेसिक काम के लिए। एक चीज और मैंने नोटिस करी, इसमें आप सेटिंग्स में बैटरी की हेल्थ देख सकते हो, ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में ये ऑप्शन नहीं होता, ये वाला फीचर यूजुअली आईफोन्स में आपको देखने को मिलता है, वो छोटी चीज है बट मैं इसे शेयर करता हूं। बट एक चीज है जो हाथ में ही आप लेते हुए नोटिस करोगे, वो है इसके हैप्टिक्स, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील होता है। मतलब वो 3 डेट्स में आपने कहावत सुनोगे थुचुक थुचुक, सेम सुख आपको इसके अंदर बेसिकली वाइब्रेशन ना अलग अलग लेवल्स की होती है, किसमें ग्र किसमें ग्रू ग्रू, इसमें एक ओ हैप्टिक्स करेगा रखा है, बहुत डिफरेंट सी फीलिंग है, बट वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। वैसे रिसेंटली OnePlus का आपने फोल्डिंग फोन देखा होगा, जिसको हमने भी ट्राई करा था, एक्चुअली हम काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, कैमरा उसमें काफी तगड़ा था। इसमें वही 2 सेंसर सेम भी है, जैसे इसमें 50 MP प्राइमरी है, 64 MP टेलीफोटो, 48 MP अल्ट्रा वाइड, एंड 32 MP का इसके अंदर एक सेल्फी कैमरा लगा रहा है, जो मैंने बताई थी ना आपको 2 फोटोज ए और बी वाली। इसमें से मुझे पर्सनली भाई बी वाली ज्यादा अच्छी लगी, थोड़ी डिटेल अच्छी है, कलर्स कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा। असली आंसर वेंकी भाई आप बताओ, ए वाली OnePlus 12 है, बी वाली OnePlus ओपन है। इसका जो सीक्रेट रीजन है वो भी मैं बताता हूँ, उसके लिए आपको कैमरा थोड़ा समझना पड़ेगा। कैमरा खोलते ही पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, इसका शटर बटन रेड है, दिल का बटन रेड होता है, तो अगर आप फोटो खींचो तो दिल से खींचोगे, ये कहना चाह रहे हो OnePlus। सीक्रेट टेक्निक दिखा दूं, सीक्रेट सेल्फी टेक्निक, कुछ तो अलग सा लग रहा है यार इसके अंदर, मैं वैसे ऐसा नहीं हूँ। आप नोटिस करोगे इसमें ऊपर की साइड पे एक एक्सपोजर बढ़ाने का आइकन दे रखा है। पहली बात तो इसकी वैसे कुछ खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग नीचे एक्सपोजर चेंज कर लेते थे, एंड एक्सपोजर भाई टैप करने पे वो चेंज नहीं आती। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि ये सब चेंजेस की क्या ये जरूरत थी भी। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आता हूँ, अब जैसे कोई कंपनी एकदम से है और वो पावर बटन ना ऊपर की साइड पे लगा दे यहाँ पे, ये क्या कर रही है कंपनी, ऐसे तो कोई फोन नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीजें, मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। इसका कैमरा फोटोज काफी प्यारी खींचता है, जैसे इसका HDR बहुत एक्यूरेट है एंड काफी ज्यादा क्विक भी है। जब हम फोटो खींचते हैं
तो ये थोड़ा लाइट को ओवर एक्सपोज करता है, बट जैसे ही फोटो खिंच जाती है वैसे ये एकदम से पूरा फिक्स हो जाता है। जैसे फोटो में आ रहा है आरएफ के नीचे विंडो है, बट जैसे अब तक इसने फेस डिटेक्ट नहीं करा इसलिए अंधेरा है, बट जैसे ही आरएफ घूमता है वैसे ये लाइट कैप्चर करता है, आरएफ की फोटो लाइट में आ जाती है, जो बाहर ओवर एक्सपोज आराम से लग रहा है वो फोटो खींचते ही ब्लू हो जाता है। ये काफी सारे फ्लैक्शेस में रहता है, बट मुझे इसमें पर्सनली थोड़ा सा क्विक लगा। बट एचडीआर में एक इशू है कि अगर आप लाइट के आगे फोटो खींचोगे तो आपके एंड लाइट के बीच में एक बॉर्डर छोटा सा फील होता है, थोड़ा सा लगता है आर्टिफिशियली क्रिएट करा है। तो जैसे इस फोटो में आरफ भाई के पीछे सूरज मामा थे तो इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर सा फील हो रहा था, मतलब बेसिकली जो लाइट के एंड फेस की सेपरेशन है वो काफी ज्यादा क्लियरली दिख रही थी। बट एक चीज मैं पर्सनली नोटिस करी, जितनी फोटो है लाइट के अगेंस्ट भी काफी अच्छी ले पा रहा है, एक ब्राइट एंड कलरफुल फोटो दिखती है, बट जैसे ही इसमें आप 10 बिट वाला मोड यूज करते हो, ये है एक 10 बिट वाली फोटो एंड ये है एक नॉर्मल फोटो, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। आपने देखा है भाई नॉर्मल फोटो में आरफ भाई की हुडी पर जो लाइट आ रही है वो थोड़ी सी हार्श लग रही है, मतलब थोड़ा सा करारापन है उसके अंदर, बट वही लाइट भाई 10 बिट वाली जो फोटो है उसमें थोड़ी स्मूथ लग रही है। 10 बिट आपको लग रहा हो क्या है, इसमें बेसिकली कलर थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, थोड़ी ज्यादा डिटेल्स आ, बाकी दोनों फोटोज में कलर वाइज ऐसे मुझे कुछ मेजर चेंज पर्सनली नहीं लगा, दोनों मतलब थोड़ा सिमिलर ही है। फोटो आप नॉर्मल से भी खींचोगे तो कलर सही ही आते हैं, बट भाई बाकी फोटो के जो कलर्स हैं काफी प्यारे निकाल देता है, एंड जिसमें व्यू फाइंडर में भी इसमें जो ग्रीन कलर दिख रहा है वही सेम ग्रीन कलर फोटो खींचने के बाद भी आया, एंड इसमें फोटो में भी एक्शन मोड है, जिससे अगर ये पत्तों वाली फोटो अगर आप देखोगे हमने फास्ट शटर में खींच रखी है, ज्यादा तगड़ी क्वालिटी की नहीं आती बट कंपैरेटिवली काफी फास्ट शटर के हिसाब से अच्छी लगती है। मैं कैमरा भाई थोड़ा इनडेप्थ चेक करना चाहता हूँ सारे फोन्स का इतना भी, क्योंकि काफी सारी नई नई चीजें ऐड करी जाती है, जैसे इसमें भी नाइट मोड में बहुत बड़ा अपग्रेड करा गया है भाई OnePlus 11 से, जैसे ये वाली एक बिना नाइट मोड की फोटो है और ये वाली नाइट मोड के साथ है। आरएफ भाई के राइट साइड में वो लाइट आ रही है उसका यूज करके इसने काफी अच्छी फोटो खींच दी और 3 सेकंड का ही बस शटर टाइम था, मतलब 3 सेकंड थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ा, कोई ट्रैपोड वैपोड नहीं लगा, हाथ से खींच। पोर्ट्रेट की ये वाली फोटो है, इसमें एजेस थोड़े से सॉफ्ट करता है, आधा इसमें लीफी कार्ड दी भाई ने। वो ए और बी वाली फोटो में आपने मेजर जो डिफरेंस था वो बेसिकली कलर का था, क्योंकि जो वन प्लस ओपन था वो इंडियन वेरियंट में था और इंडियन स्किन टोन के हिसाब से था। ये वाला जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा फॉरन, ये बेसिकली चाइनीज स्किन कलर के हिसाब से इन्होंने सेट कर रखा है, इसीलिए कलर थोड़े से आपको म्यूटेड भी लगेंगे। हर एक सिचुएशन में फोटोज बहुत ही प्यारी है खींच देता है, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, अलग अलग टाइप की हमने फोटोज खींच के देखी भाई, काफी अच्छी फोटोज आ रही थी। एक चीज और मैं नोटिस करी, इसका जूम में थोड़ा ज्यादा जूम हो रखा है, इस फोटो में हमने वो दूर वाला टेक्स्ट पर जूम करा एंड उसके बाद आगे बढ़ते भाई ये पूरा टेक्स्ट जूम करके बढ़ पा रहे हैं, एंड फोटो खींचने के बाद भाई काफी फास्ट प्रोसेसिंग है, एंड क्लियर बोलूंगा मैं बट एकदम ऐसा करारी नहीं बोलूंगा, क्रिस्पनेस थोड़ा स्मूथ तो लग रहा है, बट वीडियो में सेल्फी में भाई ये 4K 30fps तक ले लेता है, एंड जैसे सेल्फी वीडियो में आप देख सकते हो वेंकी भाई के बाहर धूप से अंदर आ रहे हैं तो लाइट चेंज हो रही है, वो भी काफी स्मूथ है भाई, ज्यादा पता नहीं चलता कि भाई बंदा नेचुरल लाइट से आर्टिफिशियल लाइट पे शिफ्ट हो रहा है, तो ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। एक दिक्कत जो वन प्लस ओपन में भी थी, वीडियो में आप रिकॉर्डिंग करते समय क्विक जूम नहीं कर सकते, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, आपको टाइम लग जाता है, होल्ड करके रखना पड़ता है और तब तक मूवमेंट यूजुअली मिस हो जाता है। अगर आप 1x में वीडियो शूट कर रहे हो तो आप वाइड एंगल पर डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर पाओ, तो ये एक ऐसी चीज है मेरे ख्याल से OnePlus को तेजी से फिक्स कर देनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं आपको एकदम थोड़ा सीधा सीधा बताऊं तो कैमरा इसका काफी ज्यादा प्यारा है OnePlus 11 से, डेफिनेटली एक अच्छा अपग्रेड है, बट एक दिक्कत मुझे लगी भाई फोटोज में स्किन को इतना स्मूथ कर देता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई फोटो शेक होगी, एंड जैसे ये फोटोज देखी इनको जूम करने के बाद आपको अगर आप आंखों को देखो तो आपको फील होगा, मेरे हिसाब से इतना स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो क्रिस्प भाई डेफिनेटली रहना चाहिए, वरना फोटोज थोड़ी देर फेक से लगने लगे। उसके अलावा फोन का कैमरा एक फ्लैगशिप के हिसाब से ऑलमोस्ट मैं तगड़ा बोलूंगा, इसमें अगर वो टेक्सचर्स वो डिटेल्स वो सारी चीजें थोड़ी सी फिक्स हो जाती तो और ज्यादा तगड़ा हो जाता। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर है जो भाई थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, जैसे क्विकली अगर आपको अनलॉक करना हो तो हल्का सा चैलेंज सा आता है, अगर ये थोड़ा नीचे होता तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल रहता। इसमें एक लाइव वॉलपेपर भी है जो स्क्रीन यूजेज पर रिएक्ट करता, मतलब जितना आप ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा भाई ग्रीन वाली लाइन लंबी होती जाएगी, काफी इंटरेस्टिंग सा मेरे को पर्सनली कॉन्सेप्ट लगा, बट भाई हम फ्रेश वॉल एक्सक्लूसिव वॉलपेपर्स ही यूज करते हैं अपने वाले स्मार्टफोन के ऊपर, जो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा प्यारे प्यारे लगते हैं। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर में कोई ज्यादा बड़े चेंजेस या फिर इश्यूज हमको इतना ज्यादा फेस करने के लिए नहीं मिले। एक मेजर चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है इसकी परफॉर्मेंस, जो मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें एंड्रॉइड का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अगले साल ऑलमोस्ट सभी फ्लैगशिप्स में यही प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये अभी लेटेस्ट ग्रेटेस्ट सबसे बेस्ट है, डेली यूजेज में आपको यूज करना हो, हैवी यूजेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफी स्मूथ भी चलता है। हमारे पास 24GB रैम एंड 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, 24GB रैम मेरे लैपटॉप में 8GB रैम।
है? उससे 3 गुना ज्यादा रैम इस एक मोबाइल के अंदर भाई। बेसिकली इसमें हमने एक साथ 5 गेम्स 5 एप्लीकेशन हमने खोली। सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं, प्ले स्टोर, स्नैपचैट, कैमरा, यूट्यूब, अब गेम खोलेंगे, PGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA Vice City, ये सारी बड़ी बड़ी गेम है भाई। अब मेरे को खुद पर्सनली डर लग रहा पहले वाला खुलेगा कि नहीं, बट भाई खोल के देख लेते पहली वाली हमारी ऐप इंस्टाग्राम खुल पा रही है कि नहीं। भाई पहली वाली ऐप भी खुल रखी है जो बहुत ही बड़ी बात है भाई। ये काफी तगड़ा परफॉर्म किया भाई इसने सभी गेम्स पे। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो 24GB रैम थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आप नॉर्मली यूज करते करते 24GB रैम की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, बट कोई नुकसान नहीं है भाई ज्यादा रैम होने में। हाई एंड टास्क जैसे रेंडरिंग या एडिटिंग अगर आप करते हो उनमें डेफिनेटली आपको फर्क फील होगा, बट कुछ सेकेंड्स की स्पीड रेंडरिंग के लिए आप अगर हायर वाला वेरियंट ले रहे हो तो मैं इतना कुछ खास रिकमेंड नहीं करूंगा। एक जो बेसिक वाला वेरियंट आता है आपका 12GB 256GB वाला, वो आपको मस्त परफॉर्मेंस देगा। पर अब भाई बात कर ली जाए गेमिंग की, क्योंकि एक महापुरुष ने बोला है लाइफ भी तो एक गेम है मेरे दोस्तों। सबसे पहले बीजे में चले लोएस्ट सेटिंग पर हमने स्मूथ पे 90 FPS पे चलाया, पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। बट Ultra HD में अल्ट्रा तक आपको क्वालिटी मिलती है, ये अभी टॉप क्वालिटी है भाई एंड्रॉइड में, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है। वैसे हमने गेम भी खेला जैसे जिसमें मैंने हेडशॉट आप देखो बस मार रखे, ऐसे किल्स कर रहा हूँ जैसे मेरे लुक्स मेरे माशवा को किल करते हैं मेरे दोस्तों। दोनों साइड से कर्व्ड है तो हाथ में मतलब ऐसे खेलते टाइम थोड़ा सा फिसलता है, एंड एक कर्व डिस्प्ले भी है, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही थी। मेरे को फ्लैट में खेलने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है, थोड़ा हीट हो जाता है ये वाला स्मार्टफोन अगर आप हाई सेटिंग्स पे खेल रहे हो 30 मिनट के ऊपर तक अगर खेल रहे हो। बट ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का भी है, जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी वैसे वैसे ये वाले प्रोसेसर भी बेटर हो जाएंगे। अभी इतना कोई ऐसा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, हल्का सा वार्म हो जाता है। हमने इसके ऊपर GTA Vice City भी खेली जो काफी प्यारी गेम है भाई, मेरे से एक्साइटमेंट रोक ही नहीं जा रही है। गेम डेफिनेटली काफी स्मूथ है, रूल्स भी ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं भाई, नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्टे सेफ। अब आती है भाई सिंपल बात, क्या वन प्लस की वापसी हो चुकी है इस वाले स्मार्टफोन, क्या ये वाला आतंक मचाने वाला? तो वन प्लस 11 से 12 में ऐसा कुछ जमीन आसमान का मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पता चला। चेंजेस जो हैं जैसे अलर्ट स्लाइडर उधर उधर कर दिया, फिर उसमें हल्का फुल्का डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बट आजकल सभी फ्लैगशिप में आपको मेजर अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी ऐसा कुछ खास नहीं थी। बट एक डिजाइन में थोड़ा बड़ा अपग्रेड मे बी करा जा सकता था, ऐसे बिल्ड में हमको पर्सनली मेरे को कोई मेजर इश्यूज नहीं फेस करने पड़े जो काफी लोग ट्विटर पे बता रहे थे। चाइना में इसके 3 वेरिएंट आ रहे हैं अभी, 16GB प्लस 512GB जो ऑलमोस्ट 56,000 रुपीज के अराउंड है, 16GB प्लस 1TB स्टोरेज वाला जो आपको 62,000 के अराउंड का पड़ेगा, एंड 24GB 1TB वाला जो 68,000 रुपीज का आपको पड़ेगा। इंडिया में ये प्राइसिंग भाई डेफिनेटली थोड़ा चेंज भी होगी, पर मेरे हिसाब से प्राइस 55,000 से 60,000 तक अगर आता है तो एक अच्छा प्राइस डेफिनेटली होगा। इस प्राइस गैप के हिसाब से एक डेफिनेटली भाई तगड़ा ऑप्शन है, एंड वैल्यू फॉर मनी मेरे को पर्सनली स्मार्टफोन लगा। बात रही भाई वन प्लस के कमबैक थी, तो मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं तो एक कंपनी को या फिर एक यूट्यूबर को भी हमको भी अपना ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, बट कुछ घंटों के समय में ये ट्रस्ट टूट भी सकता है। तो वन प्लस से कुछ गलतियां हुई हैं, बट वन प्लस ने चीजें ऐसी करी हैं जिससे उन्होंने अपना ट्रस्ट संभाल के रखा है, चाहे वो कस्टमर एक्सपीरियंस हो चाहे वो चीजें हो। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं फोन के साथ, बट मेरे हिसाब से वन प्लस के ये वाले स्मार्टफोन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। एंड अगर आप मार्केट में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो इनको आप डेफिनेटली कंसिडर करिएगा जब ये इंडिया में आएंगे। वैसे इंडियन वेरियंट को हम अच्छे से टेस्ट करेंगे, बट अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी सारी नई चीजें बताएंगे, लेट्स गो। वो भाई चल यहां पे एकदम एज पे मुश्किल होता है रोकना, अब यहां पे बहुत मुश्किल। तो मेरे रूममेट ने समझा कि उसका अलार्म बजा हुआ है, और वो 2 घंटे तक ट्राई करता रहा भाई स्नूज बटन दबाने का, और इसी टाइप के जोक वेंकी भाई ने लिखे जो ना मुझे समझ में आए ना आपको समझ में आए।